हमीरपुर में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के विरोध रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। यह रैली कांग्रेस पार्टी के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रवक्ता जगजीत ठाकुर के नेतृत्व में निकाली गई। भारी बारिश के बावजूद रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए जगजीत ठाकुर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने आम जनमानस को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। इस डबल इंजन की सरकार के राज में हर चीज के दाम आसमान को छू रहे हैं। इस राज में आटे पर भी टैक्स लगाकर गरीब को चपाती पर भी टैक्स देने को मजबूर कर दिया है। जगजीत ठाकुर ने कहा कि देश में अग्निवीर भर्ती से युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया है। इस सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर के 11,000 करोड़ तो चुटकी में माफ कर दिए, लेकिन देश की 135 करोड़ जनता पर टैक्स थोप कर जीना दुश्वार कर दिया है। जगजीत ठाकुर ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार के राज में देश का हर वर्ग दुखी है। जनता ने प्रदेश के इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है। जगजीत ठाकुर ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है और महंगाई भी आज इस देश के 70% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। आज हम गरीब आदमी की, आम व्यक्ति की आवाज़ को लेकर सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। क्या कारण है कि इस देश के अंदर 70% में बेरोजगारी स्तर से बढ़ी है? केवल और केवल कॉरपोरेट सेक्टर ग्रहणों की चिंता इस सरकार को है। यह आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की कोई चिंता इसको इस सरकार को ही ना बेरोजगारों की चिंता है, ना किसानों की चिंता है, ना कर्मचारियों की चिंता है। ये सरकार केवल और केवल कॉरपोरेट सेक्टर को लाभ देने के लिए ही हर नीति बना रही है। इस देश की सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आज इस देश के अंदर किसान सड़कों पे, बेरोजगार सड़कों पे, महिलाएं सड़कों पे, कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, त्राही त्राहीमान हो चुका है। महंगाई आज GST, जब एक हमारे घर में माता चपाती बनाने लगती है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ रहा है। आज इस देश का हर गरीब व्यक्ति टैक्स दे रहा है। 130 करोड़ लोग जो हैं इस देश के जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर का लाखों करोड़ रुपया जो है माफ़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति की जेब से GST लगाकर, दूध के ऊपर GST, आटे के ऊपर GST, चीनी के ऊपर GST, बटर के ऊपर GST लगाकर हर गरीब व्यक्ति से की जेब से भी तिनका तिनका पाई पाई निकालकर का टैक्स के रूप में ये सरकार वसूल रही है। इस सरकार को न गरीब की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न बेरोजगारों की चिंता है। अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना लेकर ये लाखों करोड़ों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। 4 वर्ष तक हमारा बच्चा फौज में जाएगा, 4 वर्ष बाद रिटायर होगा, ना उसको पेंशन मिलेगी, ना दूसरे वित्तीय लाभ उस व्यक्ति को मिलेंगे, वो अपना जीवन जिएगा कैसे, ये सोचने का विषय है। तो इससे लगता है कि ये सरकार जो है देश की सुरक्षा के साथ भी। हमीरपुर से आपका फैसला, संवाददाता रविंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।